इनक्रेडिबल नॉलेज में आपका स्वागत है। तबलीगी जमात से जुड़े 10 ऐसे तथ्य जो शायद ही आप जानते हो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, बेसिकली तबलीगी जमात जो है ये एक लोगों का संगठन है जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसका यही है कि मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना तबलीगी जमात का मुख्य कार्य है। दूसरा, इसमें केवल सुन्नी मुसलमान ही शामिल होते हैं। मुसलमान दो तरह के होते हैं, एक सुन्नी और एक शिया। तो इस तबलीगी जमात में केवल सुन्नी मुसलमान ही शामिल होते हैं। तीसरा, इसमें केवल देवबंदी मुसलमान ही शामिल होते हैं। देवबंदी का मतलब यह है, देवबंद एक जगह का नाम है जो सहारनपुर ज़िले के अंदर आती है, सहारनपुर के करीब है। वहाँ एक बहुत बड़ा मदरसा है और जितने भी लोग वहाँ से जुड़े होते हैं उन्हें देवबंदी कहा जाता है। तो जितने भी ये सुन्नी लोग होते हैं, ये देवबंद से जुड़े हैं, इन्हें देवबंदी भी कहा जाता है। और जो भी इनके धर्म से संबंधित कानून जारी होता है वो देवबंद के मदरसे से ही जारी होता है, जिसे लोग आम भाषा में फतवा कहते हैं कि फतवा जारी किया गया। नंबर चार, इसे मेवात के रहने वाले देवबंदी मौलाना मोहम्मद इलियास ने शुरू किया था। नंबर पाँच, इसकी शुरुआत 1927 में हुई थी, आज़ादी से भी पहले। नंबर छः, 1947 में बंटवारे के बाद इसकी जो मुख्य शाखा, इसका जो मेन गढ़ था, उसे लाहौर पाकिस्तान में बनाया गया था। नंबर सात, इस जमात का सबसे बड़ा संगठन भारत में है। नंबर आठ, दूसरा बड़ा संगठन भारत के बाद बांग्लादेश में है। नंबर नौ, ये जमात लगभग विश्व के 100 देशों में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आती जाती है। और नंबर 10, बरेलवी मुसलमान इस जमात में शामिल नहीं होते, केवल देवबंदी मुसलमान ही शामिल होते हैं। तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब।